वैज्ञानिकों ने गलती से बनाया ऐसा एंजाइम जो प्लास्टिक को खाकर खत्म कर देगा, प्रदूषण पर लगेगी लगाम। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंजाइम विकसित किया है जो प्लास्टिक को खाकर खत्म कर देगा। खास बात यह है कि इस एंजाइम को वैज्ञानिकों ने लैब में काम करते हुए गलती से ढूंढ निकाला। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमाउथ के रिसर्चर असल में कॉलेज लैब में बैक्टीरिया से जुड़े अध्ययन कर रहे थे। प्रयोगों में कुछ ऐसी गफलत हुई कि नया एंजाइम तैयार हो गया। गलती से मिले इस एंजाइम को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित हैं और इसको विकसित करने पर काम शुरू भी कर दिया है। प्रक्रिया कामयाब रही तो दुनिया भर में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। प्लास्टिक रिसाइकिल करने वाले बैक्टीरिया पर शोध करते हुए ये खोज 2016 में भी वैज्ञानिकों को एक ऐसे ही बैक्टीरिया के बारे में पता चला था जो प्लास्टिक के रिसाइकिलिंग में मददगार साबित होता है। हालांकि ये बैक्टीरिया लैब में तैयार किया हुआ नहीं था, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने जापान के एक वेस्ट रिसाइकिलिंग सेंटर में कचरे के ढेर में से खोजा था। वैज्ञानिकों को ये बैक्टीरिया तो मिल गया था, लेकिन तमाम शोध के बाद भी इसकी संरचना के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी भी पोर्टसमाउथ यूनिवर्सिटी की टीम लैब में इसी बैक्टीरिया से जुड़े विषयों पर अध्ययन कर रही थी। इसी अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों से एक गलती हो गई और प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम का फॉर्मूला मिल गया। क्या है प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम? वैज्ञानिकों ने इस नए किस्म के एंजाइम पर ध्यान दिया तो अनोखा गुण पता चला जो प्लास्टिक समुद्रों में या मिट्टी में घुलकर खत्म होने में सैकड़ों साल लगा देता है। उस प्लास्टिक को ये प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम कुछ दिनों में ही खाकर खत्म कर देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है पीईटी प्लास्टिक। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमाउथ के प्रोफेसर जॉन मैगीहम ने बताया, हमने जो एंजाइम बनाया है वो पॉलीएथिलीन ट्रिफ्थालेट पीईटी प्रकार के प्लास्टिक को खाकर खत्म करने में सक्षम है। इस तरह की प्लास्टिक दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि प्लास्टिक बोतलों में इसका ही इस्तेमाल होता है। पीईटी के बारे में सबसे खराब बात यह है कि इसे नष्ट होने में भी सबसे ज्यादा समय लगता है। प्रोफेसर जॉन की टीम का दावा है कि जब इस एंजाइम को इमिनो एसिड देते हैं तो ये दोगुनी तेजी से प्लास्टिक खाने लगता है। दुनिया में कुल इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक का सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हो पाता है। दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल समुद्रों में 80 लाख टन प्लास्टिक घुल रहा है। हर साल 10 लाख से ज्यादा जलीय जीवों की मौत सिर्फ समुद्रों में घुले प्लास्टिक से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। दुनिया भर में जितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसका सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है।